हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विशाल एंड यू आर वाचिंग LGI मींस लेट्स डू इट। सो सॉरी दोस्तों, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था और मैं लौट आया हूं एकदम नई और एकदम एक्साइटिंग वीडियो लेकर, जिसका नाम है हाउ टू यूज़ वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप। सो दोस्तों, ये एक ऐसा ऐप है जिससे आप घर बैठे किसी भी ट्रेन की जानकारी हासिल कर सकते हैं, और वो कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दो वीडियोस को छोड़कर जो ये वाला वीडियो है बैकअप अकाउंट वाला, इसमें मेरे कम से कम 90 सब्सक्राइबर्स थे, मतलब कि 92-93 ऐसे कुछ, और आज मेरे 106 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो बस ये कहना था दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने ऐप पर जाना है। तो अब हम ये चले गए ऐप पर, और यहाँ पे ये देखिए ऐसा करके कुछ आएगा, लेकिन इससे पहले आपका एक सेटिंग आएगा जिसमें आपको अपना लैंग्वेज वो करना रहता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो मैंने तो इंग्लिश किया है, और सबमिट कर देना। और अगर आपको जैसे अगर कुछ सेटिंग वेटिंग करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, कुछ भी XYZ जो भी आपको करना है। तो चलिए अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूं। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, तो आपको ये फ्रॉम स्टेशन में जैसे कि बिलासपुर जंक्शन, तो हमने इसे डाल दिया। अब नीचे वाले स्टेशन पर मैं संबलपुर जंक्शन डाल रहा हूँ अभी के लिए। तो फिर जैसे ही आपका ये सब डालना हो जाएगा तो आपको बस इस बटन को दबाना है, फाइंड ट्रेन्स, और इसके बाद में ऐसा कुछ आएगा आपके सामने। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पे तीन ही ट्रेन दिख रही हैं संबलपुर की, जिसका नाम है पहला हीराकुंड एक्सप्रेस, जो कि 4:45 AM टू 9:10 AM ये पहुँचा चुका है। तो अब यहाँ पे देखने से पहले एक बार पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो MTWTFS है, इसका मतलब है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और जिस में ग्रीन पूरा फिल है वो मतलब कि वो उन दिन में आता है। तो जैसे कि ये हीराकुंड एक्सप्रेस मंडे को आई थी, ट्यूसडे मतलब कि आज आ चुकी है और पहुँचा भी चुका है, और फ्राइडे को आएगी अभी डायरेक्ट। और सेकेंड है बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर, ये ट्रेन 6:50 से है शुरू, और 1:40 को ये पहुंचाएगा, मतलब कि पहुंचा चुका होगा अब तक। और यहाँ पे दिया है रन्स डेली, और ये जनरल ट्रेन है ये भी, और ₹50 इसका टिकट है, और ये रन्स डेली। तो चलिए अब हम ये सबसे पहले फर्स्ट वाले में जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। तो आपको बस इसे टैप करना है, और टैप करने के बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अभी ट्रेन कहाँ पर है एग्जैक्टली, ये रहा, ये अभी तलचार बाईपास कैबिन, हाँ यहाँ तलचार रोड और ये तलचार बाईपास कैबिन में है अभी। तो मतलब अभी ट्रेन यहाँ पे है, तो मतलब ये आपको ये भी बताता है कि ट्रेन अभी एग्जैक्टली कहाँ पर है, और ये ट्रेन चलते हुए भी दिखाता है मतलब कहाँ कहाँ चल रही है ट्रेन। तो ट्रेन मतलब कि बिलासपुर से अखलतरा, अखलतरा से चांपा, चांपा से शक्ति, शक्ति से खरसाई, खरसाई से रायगढ़, रायगढ़ से भेलपार, भेलपार से क्या है ब्रजरंजनगर जो भी है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर झालसुकड़ा जंक्शन, झालसुकड़ा से डायरेक्ट संबलपुर रोड, संबलपुर रोड से संबलपुर जंक्शन। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक मेन चीज़ दिखा रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे और यहाँ पे गौर कीजिए, इन सब जगहों में, इन सब जगहों में ऊपर ब्लैक में है और नीचे रेड में है। तो ब्लैक का मतलब है कि ये ट्रेन 4:45 AM को यहाँ से निकलना था, यहाँ वाले का मतलब है कि 4:25 AM को यहाँ पे आ चुका था, ऐसा ही कुछ है, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक के बीच में। और ये जो नीचे जो रेड मार्क है, ये रेड मार्क का मतलब कि ट्रेन लेट हो गया है, मतलब कि 4:45 AM को आने वाली थी लेकिन 4:49 को आई, मतलब कि 4 मिनट लेट। तो इसका मतलब ये है, नीचे रेड मार्क रहने से ट्रेन लेट है, और ये ट्रेन अगर एक जगह लेट है तो मतलब सब जगह ही लेट होगी। और अभी ये ट्रेन इन इन जगहों पे नहीं गई थी, ये डायरेक्ट अभी यहाँ से फिर पता नहीं अब क्या होगा ये ट्रेन का। तो अब हम इसे हटाते हैं, तो अब हम चलते हैं सेकंड वाले में जो कि रन्स डेली है। तो अब हम यहाँ पर आ गए,
तो ट्रेन अभी एग्जैक्टली कहाँ पर है? संबलपुर जंक्शन में। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, द ट्रेन इज़ कैंसल्ड बिटवीन संबलपुर जंक्शन एंड टिटला। ओ ट्रेन कैंसल्ड है, मतलब यहाँ से ट्रेन और आगे जाने वाली थी लेकिन नहीं जा रही है, कैंसल ट्रेन है संबलपुर के बाद, मतलब कि ये ट्रेन थम गई है। अगर ऐसा कुछ आता है आपके सामने तो मतलब ये ट्रेन कैंसल हो गई है, लास्ट स्टेशन था इसका संबलपुर। तो देखिए ये बिलासपुर से टोटल यहाँ से भी पूरा लेट होते होते गया है, और अभी संबलपुर जंक्शन में 1:50 को पहुँचाना था इसको, लेकिन इसने 2:05 को पहुँचाया, मतलब वही 50 एक वही 15 मिनट लेट। तो यहाँ पे इसका कुछ ये लोचा है। तो अब हम यहाँ पूरी एक्सप्रेस को देखते हैं जो कि ये लास्ट वाला है, तो फिर अब इसके अंदर जाते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये अभी पूरी पर है, एंड ख़त्म है पूरी पर ये ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये बिलासपुर जंक्शन से डायरेक्ट झालसुकड़ा गई है, तो मतलब कि इसके बीच 9, 10, 11, 12, 1 5 घंटे में झालसुकड़ा कहीं भी नहीं रुकते हुए। हाँ तो मतलब 5 घंटा में मतलब इसने झालसुकड़ा पहुँचाया, फिर उसके बाद में संबलपुर डायरेक्ट। लेकिन 5 घंटा तो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जब हीराकुंड एक्सप्रेस में आया था संबलपुर से बिलासपुर, तो भी उसने 5 घंटे में पहुंचाया था, और तो वो हर स्टेशन में रुकते हुए आया था। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर जो भी हो, हमें तो ये वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो इसे मिला है, और ये ट्रेन सिर्फ मंडे को आती है। तो चलिए हमें संबलपुर तक का तो मिल गया था, अब जैसे कि आपको कहीं भी जाना है तो आप ऐसा डाल सकते हो। और जैसे अब आपको लाइव स्टेशन देखना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है लाइव स्टेशंस का, इसका मतलब है कि ये हर ट्रेन के बारे में बताएगा, बिलासपुर में आ जाने वाली हर ट्रेन के बारे में। तो आपको बस यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पे बिलासपुर जंक्शन लिखा हुआ है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बिलासपुर जंक्शन ही डाल रहा हूँ, तो अब देखिए ये 12:30, हाँ ये ऑन टाइम आ गया, यहाँ पे देखिए ऑन टाइम लिखा हुआ है, तो ये 12:30 को आने वाला था, 12:30 को ही पहुँचा है गोंदिया जंक्शन से झालसुकड़ा जंक्शन तक अराइव्ड, पहुंच चुका है। ये 2:20 का है, ये भी ऑन टाइम में आया है, सेकंड वाला बिलासपुर जंक्शन गेवरा रोड। फिर थर्ड बिलासपुर जंक्शन अमृतसर जंक्शन, ये 13 मिनट्स लेट है, 2:15 को पहुंचाना था, 2:28 को पहुंचाया है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रुका है। और भी यहाँ पे मतलब की है, अभी कहाँ कहाँ से ट्रेन आएगा जाएगा बिलासपुर से होते हुए सब है। और बस अगर आप इसके अंदर को अगर टैप भी कर दोगे ना तो भी ये पूरा हर जगह का बता देगा कहाँ पे क्या है। तो अभी तो ये ट्रेन कहाँ पे है, बिलासपुर जंक्शन में ही है क्या? हाँ बिलासपुर में ही है, अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, बिलासपुर से मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 3:55 को स्टार्ट होगा, अभी मतलब कि ये ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब स्टार्ट होगा तब ये 11 बजे के मतलब कि 11 बजे ही पहुँचाएगा एंड नागपुर जंक्शन, ऐसा है यहाँ का लोचा। तो बस यही सब है लाइव स्टेशन। तो जैसे कि अगर आपको अपने ट्रेन का नंबर जानना है तो बस आपको यहाँ पे आपका ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम बताना है, क्या है वही है, बस इतना ही करना है आपको। और PNR आपका इंटीरियर PNR नंबर, और आप यहाँ पे अपने खुद के सीट्स भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि स्लीपर है और जनरल क्विटो है, तो ये फाइंड सीट्स अवेलेबिलिटी यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ऐसे टैप कर देना और यहाँ पे आप अपना कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो ऑनलाइन ही होता है, तो ये तो मुझे करना नहीं है, वरना पता चला मेरा ही सीट बुक हो गया। और यहाँ पे जो ये है इससे आप चेंज कर सकते हैं ऐसे ऐसे, तो बस ये। तो जैसे कि अब मैं एक बार और फाइंड ट्रेन्स में जा रहा हूँ अंदर, और एक बार ये हीराकुंड एक्सप्रेस मतलब कि फ़र्स्ट वाले के अंदर एक बार और जा रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा एक आदमी बैठा हुआ सीट में, तो बस आप इसको ऐसे टैप कर देना और आप अप टू संबलपुर जंक्शन। अगर आप ट्रेन के अंदर है तो यहाँ पे इस ऐप में अपने आप एक ऑप्शन आ जाएगा, यू आर इन ट्रेन, मतलब कि इन द ट्रेन और ऑन द ट्रेन, आउटसाइड द ट्रेन, ऐसी करके एक ऑप्शन आता है। तो अगर आप इन द ट्रेन है तो बस उसे दबा देना, तो फिर वहाँ पे मतलब कि इसे दबाने के बाद में आप कितने लोग बैठे हो यहाँ पे वो भी बता देता है। जैसे कि मेरी फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरी दीदी, मम्मी पापा
तो चार लोग का बता भी दिया था कि इन द ट्रेन फोर मैंस आर देयर, मतलब कि फोर पीपल्स आर देयर उस ट्रेन नंबर के हिसाब से, टिकट नंबर के हिसाब से मतलब, तो वही वो अपने आप बता देता है, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्तों ये था वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप के बारे में पूरा जानकारी। तो अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छे, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा वीडियो बनाकर, तो उसका कोई चिंता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग वीडियोज़ लेकर और आपकी जानकारी के लिए। तब तक के लिए बी सेफ एंड सिक्योर। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।